बॉलीवुड में कोई फेवरेट कलाकार जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, क्या एम है, क्या लक्ष्य? बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार हैं, बहुत से हैं, हाँ, जिनको मैं बचपन से फॉलो करता आ रहा हूँ, वो इरफान खान जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, अमिताभ जी हैं। तो ये मेरा शुरू से सपना रहा है कि मैं ऐसे महान कलाकार के साथ करूँ जिनसे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिले। तो यही है। जैसे आपने कहा कि फिल्मों में भी आप काम किए, टेलीविजन में भी काफी समय से काम कर रहे, तो कितना फर्क नजर आता है टेलीविजन में काम करना और कितना मुश्किल रहता है टेलीविजन और फिल्मों में काम करना? फिल्म में और टीवी में काम करना दोनों एक अलग मजा है। अगर आप फिल्म में काम करोगे तो आपको कंप्लीट, मतलब आपकी एक पूरी वर्कशॉप होती है, आप लोग पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के लिए काफ़ी समय से काम करते हैं और आपको स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है, आप लोग पूरा अपना होमवर्क कर लेते हैं। लेकिन टीवी के अंदर क्या होता है कि कट टू कट आपके सीन होते हैं, कट टू कट आपको रेगुलर टेलीकास्ट होना पड़ता है। सुबह सीन आया, हम लोग फटाफट जल्दी से देखते हैं, रीड करते हैं, देन वहाँ जाके हम लोगों को शूट करना होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या एडवेंचर है और मूवी का एक अलग मज़ा है, नेचुरलिटी है, तो काफ़ी मज़ा आता है। अच्छा, फैन से कुछ कहना चाहेंगे? फैन से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोगों का प्यार है जो हमें यूं ही हमेशा बना रहा है, और हमारे सीरियल को आप बहुत सारा प्यार देते हैं और यूं ही देते रहें। और कुंवर चंद सेन की आपसे अपील है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, अभी फिलहाल इस समय डेंगू का खतरा बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें और हमें प्यार देते रहिए। अच्छा, कल गणपति विसर्जन है तो क्या कुछ? गणपति विसर्जन हम लोगों ने तो, मैंने तो अपने सारे जितने फ्रेंड्स हैं वो सभी लोग डेढ़ दिन का रखते हैं, तो हम लोग तो विसर्जन में जाए हैं, लेकिन 10 जो लास्ट गणपति होता है वहाँ, प्लीज़ आप सभी लोग, समुद्र के जो पानी होता है उसकी थोड़ी बहाव बहुत ज़्यादा होता है और जो हाई टाइड आती है उनसे प्लीज़ ध्यान रखें, और हमेशा ये करें कि आप इको फ्रेंडली गणपति ही मनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट को उससे खतरा नहीं होगा और हम सब लोग अच्छा पॉल्यूशन से बच पाएंगे। कुछ ऐसे करते हैं सर, मतलब कुछ करते रहिए।